हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक अनोखा तरीका कड़ी पत्ते को प्रिजर्व करने का, जिसमें हमें रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, आप इसे रेफ्रिजरेटर के बाहर किचन में ही ऐसे कहीं भी रख के आप इसे महीनों तक लंबे समय तक रख के यूज कर सकते हो। और आज के इस ट्रिक्स में सबसे बढ़िया बात है, इसे आप महीनों तक रखने के बावजूद भी आपकी कड़ी पत्ते की ग्रीनीनेस वैसी रहेगी, फ्रेशनेस वैसी रहेगी जैसे कि आप ताज़े ताज़े पेड़ से तोड़ के लाते हैं या बाजार से तोड़ के लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रहेगी ये कड़ी पत्ता और इसकी खुशबू की ग्रीनीनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए बताती हूँ वो तरीका, आप जरूर ट्राई करें। जब आप सब्जियां बनाते हैं और तेल डालते हैं ना, उस टाइम भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ आपको करना पड़े ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने 4-5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब इसको मैं पहले मीडियम फ्लेम में इसको गर्म कर लेती हूँ तेल को। अब जैसे ही तेल मीडियम फ्लेम में गर्म हो जाए, अब गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बिल्कुल लो कर देंगे या फिर पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि हमें कड़ी पत्ता को बिल्कुल जलाना नहीं है, तड़का लगाना नहीं है। जैसे हम सब्जियों में दाल में तड़का लगाते उस हिसाब से नहीं करना है। ओनली कड़ी पत्ते को जो हम रेगुलर कुक करते हैं तड़का लगाते हुआ, ओनली हमें 5 या 10% ही कुक कर लेना है, ठीक है। 90% हमें नहीं करना है। तो जो हम कड़ी पत्ता डालेंगे बिल्कुल भी वो जैसे गरम तेल में हम एकदम गर्माहट तेल में कड़ी पत्ता डालते हरा हरा एकदम तड़तड़ाने की आवाज़ आती है, वैसा नहीं करना। उससे क्या होगा कि कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है झट से वो तेल में या फिर जो भी खाना बनाते हैं उसमें चला जाता है। हमें फ्लेवर को भी मेंटेन रखना है, कड़ी पत्ता की खुशबू, उसकी ग्रीनीनेस और उसकी जो फ्लेवर है उसकी स्मेल सब मेंटेन रखना है लंबे समय तक। इसलिए हमें बस तेल को लो टेम्परेचर में कर लेना है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है यहाँ पर। अब मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। ये लीजिए, ये देखिए, है ना। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड। बस 10 से 15 सेकेंड। देखिए हमारी कड़ी पत्ता बिल्कुल भी फड़फड़ा नहीं रही है, जल नहीं रही है, है ना। इसका ग्रीनीनेस टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आपको तेल को मेंटेन करते हुए कड़ी पत्ता को 10-15 सेकेंड इस तरह से तल लेना है। तेल जो है कितने धीरे धीरे से फड़फड़ा रही है, बिल्कुल भी हमारे कड़ी पत्ता को असर नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, कोई भी कड़ी पत्ता जला है, फूला है नहीं। तो चलिए अब सारे कड़ी पत्ते को हम निकाल लेते हैं और ये जो ऑयल है अच्छे से ड्रेन कर लेते हैं। तो यही था हमारा मकसद, मैंने थोड़ा करके दिखाया है। आप ज़्यादा कड़ी पत्ता भी इस तरह से कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, अगर आपको कड़ी पत्ता का सही टेक्सचर, सही लुक्स, सही स्वाद, फ्लेवर जो बिल्कुल रिमूव ना हो, सब कुछ सही चाहिए, तो लो, बहुत ही लो टेम्परेचर में आपको इसे करना होगा। हम एक कपड़ा या टिश्यू पेपर लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे। कुछ देर ठंडा होने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत जो ऑयल है टिश्यू पेपर है इस कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऑयली दिख रहा है, ये एक्चुअली ऑयली होगा भी, क्योंकि यही जो ऑयल है इसको भरपूर मात्रा में मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से जो कड़ी पत्ता है लंबे समय तक जो है फ्रेश रहता है, ग्रीनी रहता है और फ्लेवरफुल रहता है। तेल कोई बात नहीं, सूख जाता है तेल। जब इस तरह से कड़ी पत्ता को प्रिजर्व करने का फायदा क्या है, ये महीना दो महीना तक खराब नहीं होता था। आई एम श्योर कि ये 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक भी खराब नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार हम बना लेते हैं, थोड़ा सा ही करके रख देते हैं तो वो 15-20 दिन में, एक महीने में ख़त्म हो जाता है। तो इतना लंबा हमें रखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, वो भी फ्रिज के बाहर। चाहे तो आप फ्रिज में रखें, चाहे फ्रिज के बाहर रखें। जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है
और कड़ी पत्ता जो है बाहर रख के ऐसे सूखते जा रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा आइडिया है, कड़ी पत्ता हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। अभी ये सूखने के बाद देखना बहुत ही बढ़िया एकदम डिटो फ्रेश दिखेगा, जैसे पेड़ से तोड़ के लाया हुआ कड़ी पत्ता है वैसे ही दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अब ये रेडी है, और एक्चुअली बात ये है ना, इसे स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही रख देंगे ना तो ये आराम से चल जाएगा महीना भर, कुछ ख़राब नहीं होगा, इसमें हवा लगेगी और ख़राब होगी, ओपनली रखें या फिर बंद करके रखें ऐसा कोई इसमें इशू ही नहीं है, कैसे भी रख सकते हैं। समझो आप स्टोर करना भूल गए, फ्रिज के अंदर नहीं रखे, फ्रिज के बाहर रखे, कैसे भी रखे, इसका कोई इशू नहीं है ख़राब होने का, तो इसकी यही अच्छी बात है। तो मैं आपको एक लिफ्ट दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब इसकी ग्रीनीनेस में कोई चेंज आया है, बिल्कुल नहीं है। किसी डिश को आपको ऊपर से गार्निश करना हो तो आप ये ऊपर से डायरेक्टली डाल भी सकते हो सर। अब जो है इस कड़ी पत्ते को मैं एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख रही हूँ, आप चाहे तो एक टिश्यू पेपर ले लें, आप कैसे भी रख सकते हैं, इसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसे बाहर ही रख के यूज़ कर सकते हो, बहुत बार खोलोगे तो भी कोई ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा कड़ी बना रही हूँ, तो मैं इसी कड़ी पत्ते से जो कड़ी है उसमें तड़का लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा राई, हम मिर्ची डाल देती हूँ, तो उसके बाद लहसुन, फिर हम यहाँ डालेंगे हल्दी, लो है हींग, और ये देखिए हमारी कड़ी पत्ता, वाओ है ना कितनी ग्रीनी, हम थोड़ा सा लेते हैं, तो लास्ट में डाल रही हूँ। तो ये सब तड़का तैयार है, यहाँ पे कड़ी में डाल देती हूँ मैं, ये रखा, ये जो बहुत ही अच्छी खुशबू है इस कड़ी पत्ते की, आप इसको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कड़ी पत्ता को जो है स्टोर करने का, क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद भी एक समय के बाद ये मुरझाने लग जाते हैं, इसका जो फ्लेवर है कम होने लगता है। मैं आपको एक लीव्स दिखा देती हूँ, इसका लीव कड़ी पत्ते का, ये देखिए क्या ये इसमें कोई ग्रीनीनेस में कोई फ़र्क है, और खुशबू तो मैं ही बता सकती हूँ। ये कड़ी पत्ता आप 15-20 दिन बाद भी यूज़ करेंगे तो यही फ्लेवर, यही टेक्सचर, यही इसका लुक, ग्रीनीनेस रहेगा। ये इसे फ्राई किया है, इसके बावजूद भी ये टूटता नहीं है, ये देखिए कैसे तैर रहा है, तो आप देख सकते हैं इस कड़ी पत्ते का लुक्स यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसे अभी भी तोड़ के डाला है, फ्रेश डाला है। और अभी मैं ये जो कंटेनर खोलती हूँ जिसमें मैंने कड़ी पत्ता स्टोर किया है, तो उसे इतनी खोलते इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, अगर आपको कड़ी पत्ता इस तरह से स्टोर करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि कड़ी पत्ता सूखे या ख़राब हो के बर्बाद ना हो। सो मेरे चैनल में कड़ी की रेसिपी मैंने बनाई है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।